सख्यानन्दिवर्धनो एवं तुयं जयो होतु जयसु जयमंगले अपराजित पल्लंके शिशे पुटुविपुकले अभिषेके सब्बुद्धानं अग्गपत्तो पमोदति सुनक्खतं सुमंगलं सुप्रभातं सुत्थितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुहितं ब्रह्मचारिषु। और कैसे दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लिया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल से ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं जब मंत्रोच्चारण किया गया। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBCA के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र निर्माण था उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उन्होंने इसी समारोह में हिस्सा लिया और वो बौद्ध भिक्षुओं को शॉल प्रदान करते हुए ये जो मंत्रोच्चारण के बाद हमने देखा चैंटिंग जिसको हम कहते हैं कैसे जो पूरा माहौल था वो हमने देखा ऊर्जा से भर गया स्पिरिचुअलिटी से भर गया और कितनी शांति और कितना सुकून। और जिस भूखंड का हम जिक्र कर रहे हैं जो कैसे बौद्ध संस्कृति को आगे लेकर जाएगा उसका प्रचार प्रसार करेगा इस ये जो जो बुद्धिस्ट सेंटर है ये जो बिल्डिंग जब खड़ी की जाएगी ये नेट ज़ीरो एमिशन की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसे बनाने का जो काम है वो नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो करेगा। नेट ज़ीरो एमिशन यानी कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और उसके जो मानदंड होते हैं पर्यावरण के उस लिहाज से इस बिल्डिंग को का निर्माण किया जाएगा इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और जब हम ये मंत्रोच्चारण जब सुन रहे थे जब हम देख रहे थे तो कैसे पूरे माहौल में शांति के साथ साथ एक ऊर्जा का और परस्पर संचार होता हुआ हमने देखा ये तस्वीरें ये मजबूत तस्वीरें उसी को बयान करती हैं। और कैसे जब हम तमाम जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके लिए जब ये सेंटर बनकर तैयार होगा कैसे धार्मिक विचारों का आदान प्रदान के लिए तो ये सेंटर होगा ही लेकिन कैसे बुद्ध की जो संदेश हैं उनके जो धार्मिक आचार विचार हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर बहुत अहम हम कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। और आज से महत्वपूर्ण दिन या कह सकते हैं सबसे खास दिन कौन सा हो सकता था जिसका चुनाव किया गया जब होली वैशाख के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस IBC यानी कि जो हम बौद्ध संस्कृति और धरोहर से जुड़ा हुआ एक ये जो बिल्डिंग है उसे नेपाल को समर्पित किया गया है। और शायद ये जो हम देख पा रहे हैं एक रेप्लिका है इस बौद्ध हम कह सकते हैं धरोहर की बिल्डिंग की जो रेप्लिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी खास तौर पर जो हमने अभी मंत्रोच्चारण वहाँ सुना जब शिलान्यास किया गया इस बुद्धिस्ट सेंटर का और अभी कुछ समय बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो रिश्तों की इबारत के साथ साथ कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उनके आचार विचार को जग जग में फैलाएगा। जी अश्विनी जैसा कि हमने बताया कि बौद्ध केंद्र चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्विनी के साथ। अश्विनी वहां पर मौजूद है तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल के लुम्बिनी में जिस नेट जीरो एमिशन का हम जिक्र कर रहे थे उसकी
तर्ज पर इसे बना जाएगा। पैगोडा यानी कि जो तमाम बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो मंदिरों या फिर हम कह सकते हैं इन सेंटर्स का हम जिक्र करते हैं उन्हें पैगोडा कहा जाता है। और पैगोडा में बड़ी ख़ास बात यह होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिवाय शांति, सुकून, ऊर्जा, ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख बिंदु होते हैं जब हम वहाँ पर जाकर चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जिस मंत्र उच्चारण को आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर के जब शिलान्यास किया गया, वो वहाँ जाकर हमें प्राप्त होती है। और जिस इनलाइटमेंट का, जिस जागृत, जिस आत्मज्ञान का, आत्मचिंतन का हम जिक्र करते हैं, वो हम आत्मसात कर पाते हैं ऐसे माहौल में। इसीलिए पैगोडास का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे लगातार चैंटिंग के जरिए। और पवित्र सबसे